शाहजहांपुर में ऐसे बूथ जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत बहुत कम था, उन इलाकों में लोगों के घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम पोलिंग वाले मतदान स्थलों पर वोटरों की जागरूकता को बढ़ाना था। आना पड़ता है, आपका वोट नंबर 88 है और आपको जो है ये निमंत्रण पर्ची दे रहे हैं हम लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है अभी 29 अप्रैल 2019 को, तो आपको हम जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इस महात्यौहार में, देश के इस महात्यौहार में ज्यादा आमंत्रित है और वोट अवश्य करें, अपने दोस्तों से वोट कराएं, अपने पूरे परिवार के साथियों से वोट कराएं। हमें निमंत्रण दिया है 29 अप्रैल को वोट डालने का और दोस्तों के लिए बताया है कि आप डलवाइए वोट जिसका आपको मर्जी हो। ये देखा गया है कि हर विधानसभा में कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पे विगत लोकसभा के इलेक्शन में भी और विधानसभा के इलेक्शन में बहुत कम मतदान हुआ था, उसके लिए हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किन कारणों से कम मतदान रहा। तो हम हर एक वोटर को उस बूथ के प्रत्येक दिन, हम लोगों ने अपने ज़िले में लगभग 12 ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं जिसमें हर एक वोटर पर हमारे जो मतदाता टोली जो हमने बनाई है बच्चों को, वो एक एक के पास जाएगी और हमारी ओर से एक निमंत्रण पत्र उनको देगी और निमंत्रण पत्र देने के बाद उनसे एश्योरेंस लेगी कि भाई वो वोटिंग के दिन वोट करने ज़रूर आएंगे। इससे जहाँ हम लोग ये भी जान पाएंगे कि ये वोटर्स किन कारण से वोट नहीं डाल रहे थे, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और जैसे जिस बूथ पर हम खड़े हैं यहाँ मात्र 15% इसके बाद वोटिंग हुई थी, ये देखा जा रहा है कि किस कारणों से वोटिंग नहीं हो पा रही है। तो इस बार हम लोग टारगेटेड अप्रोच करके मतदाता तक पहुँचेंगे और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करें, 1950 शिकायत नंबर के बारे में बताएं, NVSP फोटो के बारे में बताएं, जिससे हर व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में पहुँचे और अपने बूथ का नाम करें।